फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट है। पंजाब के कई इलाकों से किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठकर रवाना हो चुके हैं, तो उनको दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। इधर किसानों की कूच को लेकर हरियाणा पुलिस भी बेहद सतर्क है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो 7 जिलों में 13 फरवरी तक इंटरनेट बैन है। ड्रोन के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। और इधर किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। पंजाब की एक मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने की बात कही। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अब किसानों के प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए हरियाणा में तैयारियां की गई हैं। सिंगू से लेकर टिगरी और गाजीपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। हाईवे पर चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। उससे भी अहम ये है कि आज 3 बड़े मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और उसके अलावा पीयूष गोयल और साथ ही नित्यानंद राय, किसानों के डेलीगेशन से बात करेंगे। और दिल्ली के बॉर्डर पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई है, तो किसी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई गई है। तो दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। और पंजाब के कई इलाकों से किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठकर रवाना हो चुके हैं, तो उनको दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक बार फिर किसानों का दिल्ली कूच। तेरह फरवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली से पंजाब तक सुरक्षा भारी। तेरह फरवरी से पहले अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे चुके किसान संगठन एक बार फिर दिल्ली कूच करने को तैयार है। पंजाब के गांव-गांव से किसानों का जत्था निकलने की तैयारी कर चुका है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ज्यादा मुस्तैद है। रविवार को अंबाला में प्रोटेस्ट के लिए निकले किसानों के ऊपर पुलिस ने टियर गैस के गोले छोड़े। 8-10 आंसू गैस के गोले दाग कर किसानों को खदेड़ा गया। भटिंडा से भी बड़ी संख्या में किसानों का जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली कूच कर चुका है। इस बीच सरकार भी किसान संगठनों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। गुरुवार को पहले दौर की बातचीत नाकाम हुई थी, जिसके बाद किसानों ने 13 फरवरी के प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 3 केंद्रीय मंत्री बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय को किसान संगठनों से बातचीत करने का जिम्मा सौंपा गया है। ये तीनों मंत्री संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग करने वाले हैं। ये बैठक आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में हो सकती है। एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच जारी है, पंजाब से किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, तो हरियाणा और दिल्ली में इन्हें रोकने के लिए जबरदस्त नाकेबंदी की गई है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के साथ साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हरियाणा से लगी सीमाएं सील कर दी गई हैं। टिकरी, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने किसानों के मार्च से पहले तीनों ही बॉर्डर पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। ये आप देख सकते हैं जो बैरिकेड है, इसके ऊपर में कटीले तार लगा दिए गए हैं, जिससे कि ये मूव ना हो पाए। और ये काफी सारा यहाँ पे रखा गया है,
क्योंकि सड़क के दोनों तरफ इसकी जरूरत पड़ेगी और राजधानी दिल्ली से जो रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है वो और हरियाणा से जो दिल्ली की तरफ आता है वो दोनों तरफ से ब्लॉक करना पड़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और इसके बावजूद भी आगे का हिस्सा जो आप देख सकते हैं इसके बाद जो है इस बैरिकेडिंग के बाद अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। इस कंटेनर को एक लाइन से सड़क पे लगा दिया जाएगा कि किसी भी तरह से ना तो ट्रैक्टर से ना किसी और चीज से इसको यहाँ से मूव किया जा सकता है।